गाइस यहाँ पर गोकुलधाम वालों ने फुल बस भाड़े पर ले ली है, खुद की ले ली गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने, और यहाँ से वो बस लेके अभी पिकनिक पे जा रहे हैं, जंगल के टूर कर रहे हैं कि इनके घूमने के लिए जाना है जंगल में, नार चित्ता शेर जो भी है सभी देखने हैं इनको। तो यहाँ से हमने जो बस रवाना कर दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का बहाड़ आ रहा है, उसके अंदर होकर बस निकल रही है। तो आगे का रास्ता बहुत ही बेकार है, यहाँ से देखते हैं आगे बस किस तरह से चलती है और किस तरह से जाती है, या फिर बस जा पाती है या नहीं जा पाती है। हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि इस उबड़ खाबड़ रोड पर भी होकर हम हमारी बस निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बस पर इतना पानी आ चुका है तो अभी बस ये रोड पार कर देंगी। लेकिन यह जंगल का रास्ता है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते पर बस फंस सकती है, और जाने के लिए सिंगल रोड है और ऑफ रोड है। तो इस ऑफ रोड पर बस चल रही है, अभी फ़िलहाल में तो चल रही है, लेकिन जो इतने ख़तरनाक मोड़ाव आते हैं ना आगे, तो वहाँ पर बस फंस जाती है और आगे नहीं जा पाती है। तो देखते हैं आगे कोई अच्छा रास्ता आता है और बस अच्छे से चल पाती है। तो फ़िलहाल में तो देख सकते हैं आप पूरे गोकुलधाम वासियों के फ़ोटो लगे हुए हैं, और आगे लिखा हुआ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा बस के ऊपर, और जेठालाल के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पर बस एंडिंग हो जाती है, जाने के लिए यहाँ पर रास्ता भी जाम हो जाता है और बस यहाँ पर ही अटक जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ाव है और यहाँ पर बहुत ही नीचे नहर होकर निकल रही है, तो यहाँ से बस नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर गोकुलधाम वालों की बस फंस जाती है, और निकलने की फुल कोशिश करेंगे हम कि बस यहाँ से जल्दी निकल जाए, और जल्दी से हमें यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि अगर नार चीते आ गए यहाँ पर तो जाना आगे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यह रास्ता आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा पानी वाला और राजस्थानी रास्ता है, जहाँ पर राजस्थान में बारिश होने के बाद उबड़ खाबड़ रोड कैसा आता है वही रास्ता है। चलो तो इस टूर पर हम जा रहे हैं अभी गोकुलधाम वासियों को सभी को लेके, सभी बस के अंदर बैठे हुए हैं और जंगल के रास्ते से होकर हम निकल रहे हैं। जहाँ तक हमें जाना है वहाँ तक ये हम सबसे पहले देखते हैं कि रोड किस तरह का है, क्योंकि एकदम नया रोड है, इस रोड पर पहले कभी आए नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही इस टूर पे हम आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ख़तरनाक मुड़ाव है, और उस तरफ आप देख सकते हैं कितना गहरा गड्ढा है, अगर बस गिर गई तो गोकुलधाम वासी सब वहीं पर रह जाएंगे। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर चलाना पड़ेगा। सामने आप देख सकते हैं दोनों तरफ जेठालाल का फ़ोटो और नीचे गोकुलधाम सोसाइटी वाले का फ़ोटो, और इस तरफ पीछे की तरफ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के जो भी तारक मेहता की जितनी भी टीम है सारी टीम का फ़ोटो लगा हुआ है, क्योंकि बस पूरी इन्हीं की है, गोकुलधाम वासियों की, इन्होंने ही बस परचेस कर ली है और हम यहाँ पर इनके लिए ड्राइवर बने हुए हैं और यहाँ पर हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से चलते हैं, हम इनको जहाँ पर लेके जाना है वहाँ पर सभी जगह की तीर्थ कराते हैं इनको, और फिर बाद में वापस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर रोड बहुत ही ख़तरनाक है और मुड़ाव भी बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर। उससे पहले अगर दोस्तों आप भी अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और वीडियो एडिटिंग का आपको बहुत शौक है, तो इन शॉर्ट एप्लीकेशन से आप वीडियो फ़ोटो और शॉर्ट वीडियो सभी यहां से एडिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, अगर अभी तक आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो प्ले स्टोर में जाकर जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। इसमें आप यहाँ पर वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस MB का चाहिए वो MB का आप 2K 4K 1050 1080 720p सभी वीडियो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। इस बस के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी साइज में सबसे ज़्यादा जेठालाल की फ़ोटो लगा रखे हैं चारों तरफ, और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो यहाँ से देखिए जा रहे हैं, रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है और आगे ट्रैफिक भी बहुत लगी हुई है। तो चलो सिंगल और ऑफ रोड है, तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर क्योंकि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सभी अच्छे अच्छे में जो भी आदमी अंदर यहाँ पर देखे बस एक्सीडेंट हो ही गई है, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर थोड़ा बहुत टच तो हो ही जाता है, क्योंकि सिंगल रोड है और मोड़ा भी बहुत है और बारिश का फुल मौसम है, तो यहाँ पर हम रोक देते हैं बस को।